में, हाँ, रूम में, रूम में हवा लगेगा ले चलो ना, हवा यहाँ पर धूप आ रहा है दोस्तों। काले गाय का 40 रुपये दूध है, मूंड गाय का 35 रुपये दूध है, एकदम रबड़ी के जैसा हो गया है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ अलग, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ये देखिए, लकड़ी तोड़ रहे हैं जलावन के लिए। चूल्हा को हमने ढक दिया है क्योंकि बारिश आती है ना तो भीग जाता है, तो इसलिए ढक के रखा हुआ है। और चलिए बता देती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो अभी राखी का त्यौहार आ रहा है ना, तो राखी स्पेशल मैं बनाने जा रही हूँ। दूध की बर्फी जो हम लोग गाँव देहात में बनाते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें मैं मिक्स नहीं करूँगी, दूध और चीनी से बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है सिर्फ दो चीज़ों से ही। तो चलिए बना दे, हाँ हमेशा गांव में तो बनाते हैं। और ये दूध लेके आए हैं, किस चीज़ का दूध लेके आए हैं? भैंस का दूध। हाँ भैंस का दूध लेके आए हैं, एक केन दूध है, उसमें शायद 3 kg आता है ना। 3 kg, हाँ 3 kg दूध आटता है, तो उसी का आज अभी मैं मावा बनाऊंगी, उसके बाद उसका बर्फी बनेगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। चलो, तो कहाँ बनाइए इस चूल्हे पे? उस घर में, रूम में, हाँ रूम में, रूम में हवा लगेगा ले चलो ना, हवा यहाँ पे धूप आ रहा है दोस्तों, पानी आंधे आ जाएगा, धूप आ जाएगा, तो चलिए चलते हैं उसी रूम में, सब कुछ वहीं पे रख लेते हैं। हमारा एक चूल्हा है, उसको बोलते हैं उठौवा चूल्हा, यही पे बनाएंगे आराम से, यही पर चूल्हा रखाएगा। तो ये हमारा स्टैंड है चूल्हा रखने का, आज इधर से रखे ना, इधर से है, मतलब दक्षिण में है, खाली मुंह नहीं रहता चूल्हा का, बाकी तीनों तरफ से रख सकते हैं। यहाँ यहाँ पे साइड में रखिए ना, हाँ हवा मारेगा, साइड में ठीक है तो रखिए आप। तो आज रूम में ही बनाएंगे क्योंकि बाहर थोड़ा बहुत धूप लग रहा है, पसीना तो आने ही लगा है। और अभी चूल्हा में ले आते, चूल्हा ला दीजिए ना, वो छोटा मुंह में रखा हुआ है, उठा हुआ चूल्हा जो अलग से उठा के रखते हैं वाला, तो उसी उठे हुए चूल्हे पे बनाएंगे। हवा तो अच्छी आ रही है बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है। ये देखिए हमारा चूल्हा आ गया है, तो इसको इसलिए रखते हैं ना ये वाला, ताकि मतलब छत है ना तो फटे ना, हाँ गर्मी से फटे ना। और यहाँ पे देखिए ये दूध ला के रखे हुए हैं, तो भैंस का दूध है ना, इसलिए हम ताज़ा ताज़ा अभी लेके आए हैं। पूरा फेन है अभी, इसमें केन भरा हुआ था ना, दम भरा लगा, फेन से थोड़ा सा ना दब लिया, तो पूरा भरा हुआ था लेकिन सब थोड़ा सा मतलब लाने से थोड़ा कम गया है, फेन रहता है ना तो फेन सोख लेता है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ जलावन रख दिए हैं, कड़ाही लाते हैं, उसमें मिट्टी का लेप लगाएंगे, उसके बाद चूल्हे को सुलगाएंगे। आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किए तो। देखिए आज चूल्हा ये जला रहे हैं कागज से, मिट्टी ले लिए थोड़ा सा और इसमें डाल देते हैं पानी, इसको घोल लेते हैं और पानी पड़ेगा। चूल्हा भी हमारा देखिए आग पका लिया है, बस लेवा देंगे थोड़ा सा और कढ़ाई को चढ़ा देंगे चूल्हे पे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मिट्टी का लेप का हम लोग लेवा देते हैं। कभी कभी मैं डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उसका भी लेप दे देती हूँ, उससे भी जल्दी कढ़ाई साफ हो जाते हैं, मांजने में उतना दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब लेवा तैयार हो गया, हाँ धो लेती हूँ। तो ये देखिए दूध को कढ़ाई में डाल रहे हैं, पूरा नहीं डालिएगा, आधा 1.5 kg का बनाएंगे। चलो और डालिए, उतना से होगा, आधा केन ना, आधा केन डालिए, और डालिए ना, पेड़ा बनेगा, बर्फी तो इतनी हो जाएगा, और डालते जाइए ना, थोड़ा सा 1.5 kg बचाएंगे, दूध तो भैंस का है ना, बस बस हो जाएगा, ये 1.5 kg के अंदाज में होगा। देखें केन में कितना बचा, आधा है, आधा से कम है, फेन मशीन दूध वो पता नहीं चलता। तो दोस्तों इतना हम लोग रख लिए हैं, इतना दूध का हम लोग बनाएंगे पेड़ा, लगभग 1.5 kg है क्योंकि हमारे केन में 3 kg अटता है, तो ये 1.5 kg होगा। चलिए इसको अभी सुखाते हैं दूध को, उसके बाद पेड़ा या पेड़ा भी बोलते हैं कुछ लोग, बर्फी भी बोलते हैं, तैयार करें। देखिए दोस्तों हमारा दूध जो है उबल गया है, तो अब इसको चलाते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, किनारे में ये
चलाते रहेंगे, और इसको बस चलाते चलाते सुखाना है, मेहनत लगेगी। दूध देखिए कितना सूख गया है, एक ही सा सूखा है अभी, ज़्यादा नहीं, और दोनों मिलके बना रहे हैं। गर्मी तो लगती है ऊपर बनाने में, बट आप लोग को ज़्यादा पसंद आता है चूल्हे का हमारा बनाया हुआ रेसिपी। इसे 3 kg दूध लाए, कितने का है, कैसे केजी मिलता है? प्रति लीटर चाहिए चाहे केजी चाहिए, 50 रुपये लीटर। 50 रुपये भैंस का दूध, गाय का दूध? गाय का दूध 300 है, 3500 है, 400 है। काहे 3 रंग के काहे? वो जैसा कुछ पड़ता है वैसा होता है। सिंह वाले गाय का 40 रुपये दूध है, मुंड गाय का 35 रुपये दूध है। या काहे सिंह से का दूध के का में अंतर होता है? उसका दूध होता है मोटा, सिंह वाला गाढ़ा होता होगा। हाँ, उसको कहते हैं देहाती का। एक फ्रिजियन होता है, फ्रिजियन सिंहों में होता है, मुंडो में होता है, तो उसका दूध पतला होता है, तो कम रेट में देते हैं। उसका कम रेट है। भैंस वाला तो गाढ़ा होता है। भैंस वाला 50 से लेकर 100 रुपये लीटर। 100 रुपये लीटर? 100 रुपये लीटर कैसे? हाँ, 100 रुपये लीटर कहा देता है? गाँव का अधिक हो गया, भैंस कम है, तो 100 रुपये देवे करेगा। वो तो जान बुझ के ज्यादा पैसा में देता, जिसको गाढ़ा जो है वो खरीद लेवे करेगा। तो आप लोग की तरफ कैसे दूध है बताइएगा। हमारे यहाँ तो वैसे ये 50 का है और गाय वाला 40 का है, मतलब ये मैक्सिमम जो रेट है आजू बाजू में अगल बगल में तो वो इतना है। हाँ, हाट है तो हाट में कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, कम में भी मिल जाता है। देखिए दोस्तों दूध कितना गाढ़ा हो गया है हमारा, एकदम रबड़ी के जैसा हो गया है, और अब इसको थोड़ा और सुखाएंगे, पूरी तरह सुखा लेंगे, उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमारा एक केन दूध था 3 kg के लगभग, तो हमने आधे का ही बनाया है, आधा रख दिया है। सोच रही हूँ रक्षा बनना है तो एक और मिठाई की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ, रसमलाई की रेसिपी, इसलिए मैंने दूध बचा के रख दिया है। इतना अच्छी बर्फी बनाया है आधा का, और कोशिश करूँगी कि रसमलाई की भी जो रेसिपी है वो राखी से पहले ही आप लोग को दूँ। वैसे आप सबको पता होगा मैं स्कूल भी जाती हूँ, टीचिंग करती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं अभी जो है ज़्यादातर कुकिंग की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा फुल डे का ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है, और ये वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो बताइएगा, मैं ब्लॉगिंग करूँगी पूरा दिन का, लाइफ स्टाइल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट करिए किस तरह की ब्लॉग आप लोग को देखना अच्छा लगता है, पूरे दिन का रूटीन देखना चाहते हैं आइए कुकिंग वाला ब्लॉग तो मुझे बताइएगा। फिलहाल अभी इसको और सुखाना है, देखिए कितना नज़दीक से थोड़ा सा दिखा दीजिए, एकदम रबड़ी की तरह बन गया है, एकदम देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, राम देहात का बर्फी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए दोस्तों एकदम मावा हमारा तैयार हो गया है, इस तरह से है, आप लोग देखिए। अब इसमें चीनी डालेंगे, चीनी डाल दीजिए आप। यह देखिए हमने लिया है लगभग 200 ग्राम चीनी, क्योंकि हम लोगों को मीठा पसंद है। हाँ, सब डाल दीजिए, हम लोग को मीठा पसंद है इसलिए हम लोग थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल रहे हैं। आप लोग को अगर मीठा पसंद हो, मावा तो अच्छा बना है, चिकना एकदम बना है, आप लोग को जितना चीनी पसंद हो उतना ही डालें। तो 1.5 kg दूध में हमने लगभग 200 ग्राम चीनी डाला है, और इसको मिलाएंगे। चीनी डालने से थोड़ा सा मावा पिघल जाएगा, तो थोड़ा सा और इसको पकाएंगे। ये देखिए तो दोनों मिलके बना रहे हैं, क्योंकि मतलब यही अगर जाड़े का दिन रहता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जाड़े के दिन में आग भी सेंकी है और इस तरह से मावा मारते रहिए आराम से, क्योंकि मावा बनाने में टाइम लगता है, बट गर्मी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो कभी ये में ही बैठ के बनाते हैं, कभी मैं बनाती हूँ, इसी तरह से दोनों मिलके बना रहे हैं। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, हमारी मेहनत को सफल करिएगा। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी बन गई है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, चम्मच में निकाल के देख लिया है और लगभग हमारा तैयार ही हो गया है। इसको ठंडा होने पर गोल करके देखें हाथों से, अगर गोल बन जाता है तो पेड़ा बनके तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा इधर देखिए गोल करके देख रहे हैं हाथों से, तो गोल हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको उतार देते हैं चूल्हे से, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जमने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है,
तार दिए चूल्हे पर से, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी इसको चलाते रहेंगे। और एक थाली भी ले लिया है, इस पर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, इसी में हम बर्फी को जमाएंगे। इस तरह से घी पूरा में लगा लेते हैं और इसको चलाते रहेंगे। इसी को चला के हल्का अगर ठंडा हो जाता है ना, तो गोल गोल हाथों से बनाते हैं तो पेड़ा बन जाता है, और अगर बर्तन में रख के या ट्रे में जमाते हैं उसके बाद चाकू से काट लेते हैं मन चाहे पीस में, उसको बर्फी बोलते हैं। तभी मैं बर्फी बनाने जा रही हूँ। एक दो यहाँ पे देखिए, ये ग्रीस कर लिया है घी को, और अब इसको इसी में डाल देते हैं, इस मिश्रण को इसमें डाल देंगे अच्छे से। इस तरह से बराबर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाथों से इसको चौकोर कर लिए हैं, तरह से इसको कर दिए हैं। अभी ये ठंडा होगा, इसको लगेंगे अभी 1 से 2 घंटे ठंडा होने में, तो ठंडा होगा तब इसको काटेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हमने बर्गर किया है ये, तो इसको देखते हैं। गांव देहात में इसको पेड़ा बनाते हैं कैसे, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। इसको गोल करके देखिए, और नज़दीक से दिखाइए आप, देखिए इसको गोल कर लिए हाथों से, और बस इसको अंगूठे से दबा देते हैं, पेड़ा हमारा बन के तैयार हो गया। तो एक और है, ज़्यादातर गांव में लोग पेड़ा ही बनाते हैं, फटाक से बन जाता है। इसको सूखने के बाद काटना पड़ता है बर्फी को, और ये ऐसे ही बन जाता है, तो इसलिए इसको 1-2 घंटा सूखने पड़ेगा। हाँ, इसको बर्फी कटाएगा, थोड़ा 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद काट लेंगे इसको। कड़ा हो जाएगा। हाँ, कड़ा होगा, अभी तो बहुत गीला है, तो इसको ऐसे ही रह देते हैं। हमारे गाँव में इसी तरह से सब बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पेड़ा 2 पेड़े मैंने बनाए हैं बस आप लोग को दिखाने के लिए। तो हमारे गाँव में इसी सब तरह से सब ज़्यादा बनाते हैं पेड़ा, और ये मैं बर्फी बना रही हूँ। तो काट के बनाते हैं तो बर्फी हो जाता है, हाथों से इस तरह से गोल करके बनाते हैं तो पेड़ा हो जाता है। तो हमारा दोनों चीज बनके अभी रेडी है, इसको काटना बाकी है। 1-2 घंटे के बाद ये अगर ठंडा सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा तब कटेगा। हाँ, तब ही कटेगा। तो इसको अभी रहने देते हैं फिलहाल, बहुत ही अच्छा पेड़ा बन के तैयार। टेस्ट करके देखो, नरम से टेस्ट भी करें। हाँ, अब करिएगा पहले। नहीं तू करो, अभी तो दम नरम मुलायम है। कैसा है? बहुत अच्छा है, दूध का अपना एक स्वाद होता है, और भैंस का दूध का ओरिजिनल है ना। हाँ, बहुत ही अच्छा है। इसको गोल कर देते हैं, थोड़ा सा ये भी ठंडा होगा तो और कड़ा हो जाएगा। अभी मुलायम है, धीरे धीरे के साथ बने रहेगा। तो देखिए दोस्तों, 2 से 3 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसको काट लेते हैं। पहले चारों तरफ से काट के अच्छे से चौकोर निकाल लेते हैं, इस तरह से। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी खा जाएंगे, तो इसको थोड़े छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेते हैं। और इसको देखिए दोस्तों, इस तरह से काट लेते हैं। आप चाहे जिस भी शेप में काटना चाहें आप काट सकते हैं, मैं बड़े बड़े थोड़े टुकड़े रख रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो है बर्फी तैयार है। आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी बर्फी की रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोग